गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आशा आप लोगों को बहुत दिनों के बाद फिर से आ गया हूँ आप लोगों को पास एक मज़ेदार स्टेटस वीडियो लेके। तो इस तरह से स्टेटस वीडियो आप लोगों को मैं बहुत ही आसान स्टेप फॉलो करके बनाना सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट नहीं देखोगे तो आप लोगों को इस तरीके से वीडियो नहीं बना पाओगे। फिर मेरे को बोलोगे भाई किस तरीके से आप लोगों को मैंने मेरे को बताया है, मेरे से बना नहीं पाया। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप ओपन करना होगा। तो आपको काइन मास्टर नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चला जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा विदाउट वाटर मार्क। तो आप लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर उस वीडियो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा नाम चलिए, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं टेक्निकल आर्यन। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्ट करना होगा। सेटिंग पर क्लिक करना होगा। एडिटिंग पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फोटो क्लिप जो है 2 कर देना होगा। इसको फिल स्क्रीन करके इसको ओके कर दीजिएगा। देने के बाद अभी आप लोगों को जो मेन काम आता है यहाँ पर आप लोगों को फोटो सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर आप लोगों को जिस फोटो से अभी स्टेटस आप क्रिएट करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा। 30 सेकंड तक उसको जो वीडियो है ये होने वाला है, तो 30 सेकंड तक आपको जो फोटो है ये आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही फोटो सिलेक्ट हो जाएगा तो अभी आपको मेन काम आएगा आप लोगों को जो फोटो जो है एडजस्ट करना। तो फोटो आप लोगों को एडजस्ट तो आप लोगों को नहीं रहेगा, तो आप लोगों को फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा, पैन एंड जूम पर जाना होगा। इस तरीके से आप लोगों को फोटो को इस तरीके से एडजस्ट करके इसको ओके कर दीजिएगा। फिर से आप लोगों को यहाँ पर इस दूसरे वाला फोटो पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से फ़ोटो को यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करके इसको ओके कर दीजिएगा। जिस फोटो आप लोग एडजस्ट है उसका अब कोई शेयर करनी आप लोगों को नहीं करना होगा। तो इस तरीके से कोई कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो है फोटो इस तरीके से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार का। तो इस तरीके से ही आप लोगों जितने भी आप लोगों को फ़ोटो है ये फ़ोटो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। तो आप लोग को पैन एंड जूम पर जाना होगा, इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। आप लोगों को मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसीलिए आप लोगों को कोई भी डाउट रहे तो मेरे नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं आप मुझे पूरी हेल्प करूँगा। तो कोई भाई मेरे को कमेंट करके बताया है को भाई आप क्लिप ग्राफिक कैसे डाउनलोड किया जाता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो उसको वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो उस वीडियो में आप लोगों को जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। तो मेरे थोड़ा सा तबीयत खराब था उसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो को नहीं दे पा रहा हूँ। तो आज के बाद आप लोगों को वीडियो बहुत ही डेली आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पर अभी 1K सब्सक्राइब होने वाला है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाइएगा तो मेरे जल्दी से हो जाएगा। तो ऐसे इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन स्किन आप लोगों को ऐड करना होगा। तो उसको आपका कहाँ मिलेगा, तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वाले जा कर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट में इस वाला ग्रीन स्किन को यहाँ पर ले लेता हूँ। इसको बॉक्स के ऊपर क्लिक करना होगा, इसके फिल स्किन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो ग्रीन स्किन दिखाई दे रहा है इसको आपको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको नीचे आना होगा, राइट साइड में ये क्रोमा की का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको की कलर आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको इनेबल कर देना होगा, जो आप लोगों को जो फोटो है ना ये आप लोगों को दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। मैं थोड़ा सा इसको म्यूट कर लेता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई शेरकानी नहीं करना होगा। तो भाई लोग आप लोगों को मैंने बताया है, पहले भी बताया है, तो आप लोगों को मैं एक क्लिक में ही आप लोगों को वीडियो को एडिट करना सिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस ये आप लोगों को मैं एक क्लिक में ही इस तरीके से वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा। तो आपको इस वाला जो फोटो है इसको ऊपर क्लिक करना होगा, क्लिप ग्राफिक पर चले जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कोई सा भी क्लिप ग्राफिक आपको लगा देना होगा। मेमोरी लेंथ भी आप लगा सकते हैं, कोई भी आपको जो है क्लिप ग्राफिक यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इस वाला फोटो पर क्लिक करना होगा, क्लिप ग्राफिक पर चले जाना होगा। आपको इस वाला जो क्लिप ग्राफिक है ये आप लोग को लगा देना होगा, और भी आप लोग को शानदार यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देने लगेगा जो है आप देख सकते हैं। तो मैं इस फोटो में ये क्लिप ग्राफिक एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसीलिए मैं मेमोरी लेंथ को यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप चाहे तो फोटो प्रिंट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको 4 नंबर पर अब कर देता हूँ, ये सही है। तो आपको फोटो के हिसाब से ही आपको क्लिप ग्राफिक को ऐड करना होगा। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को शेयर करने नहीं करना होगा, इस वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा, क्लिप ग्राफिक पर चला जाना होगा। जाने के बाद फिर से आप लोगों को मेमोरी लेंथ पर चला जाना होगा। जाने के बाद आपको लास्ट से आपको 16 नंबर पर आपको कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को 5 नंबर पर कर दीजिएगा। जैसे कर दोगे फिर नेक्स्ट फोटो में आ जाइएगा, यहाँ पर आप लोगों को फिर से आपको क्लिप ग्राफिक पर चला जाना होगा, मेमोरी लेंथ पर चला होगा। जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को 5 नंबर पर कर दीजिएगा, पहले से आप लोगों को 5 नंबर पर कर दीजिएगा। देने के बाद थोड़े से आपको प्ले करोगे तो आप लोगों को जो फोटो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लगेगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ना आप लोगों को इस फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी सरकारी नहीं करना होगा। तो आप लोगों को जितने भी फोटो है उसके ऊपर क्लिक करना होगा, इसको इन थोड़ा सा कट कर लेना होगा, बाकी का जो फोटो रहेगा ना इसको आप डिलीट कर देना होगा। देने के बाद फाइनली गाइस आप लोगों को जो वीडियो है कुछ इस प्रकार का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी का जो फालतू का जो पार्ट रहेगा इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोगों को मैं एक बार आप दिखाता हूँ कि मेरा वीडियो आप किस तरीके से बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का वीडियो बहुत ही आसान स्टेप फॉलो करके कुछ इस प्रकार का वीडियो आप बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो जो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो का एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके से वीडियो आगे भी देखने को मिलेगा। इस चैनल पर आप लोगों को इस तरीके से नागपुरी वाला स्टेटस ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस चैनल पर आप लोगों को स्टेटस से रिलेटेड ही वीडियो आपको मिलेगा। तो इसको क्लिप ग्राफिक आप कैसे डाउनलोड करोगे तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्लिप ग्राफिक पर चला जाना होगा, लास्ट में चले जाए हुए तो लास्ट में यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लिप ग्राफिक पर चला जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में चले जाइएगा, यहाँ पर एक केट मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला रेट वाला। तो इसके ऊपर आपको मोबाइल का इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑन करके तो आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पर जो आपको स्टोर है वो आप लोगों का यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो आप जाकर के यहाँ से बहुत ही आसान स्टेप से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं फिर से ये वीडियो को एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का वीडियो बहुत ही आसान स्टेप पर लगा के आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को मैं फुलफिल हेल्प करूँगा। तो आप लोगों को भाई है आप लोगों को हेल्प करेगा, तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो साथ, तब पहले जय हिंद जय भारत। इसका एक्सपर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, आपका पसंदीदा रेजोल्यूशन सिलेक्ट करके इसका एक्सपर्ट कर लीजिएगा।